हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के, और जो आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो प्लीज़ आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक नई पहाड़ी रेसिपी लेकर के। तो आज क्या बन रहा है, चलिए पूछते हैं दादी से। तो ये हैं दादी। दादी, आज हम क्या बनाएंगे? दोस्तों, पहाड़ों में भटकी चुटकानी बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है, और यह एक पहाड़ी फेमस फूड भी है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर भटकी चुटकानी बनाने के लिए जो भी हमें सामान चाहिए रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों, भट कुछ इस प्रकार से होते हैं। हमारे पहाड़ी भाई बहनों ने भटकी दाल देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। भटकी दाल कुछ इस तरह से होती है। भटकी दाल हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही हेल्दी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे भटकी चुटकानी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया है चूल्हे में, आप देख सकते हैं। दोस्तों, जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम दादी से भटकी चुटकानी के फायदे भी पूछ लेते हैं। तो दादी, बताइए कि भटकी चुटकानी के क्या क्या फायदे हैं? पहाड़ में तो हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं, फायदेमंद भी मानते हैं, खाने में भी बहुत स्वाद आता है इसको। तो दोस्तों, जो पहाड़ी भट है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और पहाड़ का तो सबसे ही ज़्यादा प्रसिद्ध फूड भी है। और भटकी चुटकानी जो है उसका टेस्ट भी एक अलग ही है। तो देखते हैं कैसे बनती है भटकी चुटकानी। आप सभी मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हो चुका है हमारा तेल गरम। अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज और लहसुन, जो हमने पहले से काट के रखी है। अगर दोस्तों आपका तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आप कढ़ाई को नीचे निकाल लें और फिर थोड़ी देर बाद उसमें प्याज और लहसुन डाल लें। तो इस तरह से आपको चलाना है। दोस्तों, प्याज और लहसुन हमारा कुछ इस तरह से तल रहा है तेल पर। आप इसे ज़्यादा ना भुने, बस हल्का ही भुने। दोस्तों, अब हमारा प्याज भुन चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे भट। भट को भी हमें भूनना है। आप देखेंगे भट को हम किस तरह से भूनते हैं। हम भट को इस तरह से भून लेंगे। भट जब भूनेंगे तो इसमें एक आवाज़ आएगी, वो आप सुनना भी, तो आप सुन सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे भट की भुनने की आवाज़ आ रही है। दोस्तों, जब ये भुनेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेंगे, आप देखेंगे। थोड़ा सा दिखाना। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से भुनेंगे। भट भुनने के बाद अब हम इसमें आटा डालेंगे। दोस्तों, आटे को हम भुनेंगे करछी की सहायता से, और अब इसमें डलेगा टमाटर। दोस्तों, टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएं, और फिर उसे भी भून लेंगे। तो कुछ इस तरह से कलर आ रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों, इसमें मसाले डालने का वक्त आ चुका है। इसमें हमने सारे प्रकार के मसाले, धनिया, मिर्च और गरम मसाला सब अलग अलग निकाल लिए हैं, तो हम इसे एक साथ भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब मसाले डालेंगे। और मसाले डालने के बाद हमें मसालों को अच्छी तरह से मिला लेना है। आप देख सकते हैं ऐसा हमारा कलर आ रहा है अभी।
तो दोस्तों मसाले डल चुके हैं, अब इसमें आएगा पानी। हमने यहाँ पर एक लोटा पानी डाल दिया है और अब हम इसे घुमाते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने जला दी है आग और अब कम से कम 15 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे धनिया क्योंकि हमारी भटकी चुटकानी हो चुकी है तैयार। दोस्तों तैयार है हमारी भटकी चुटकानी और हम इसे खा रहे हैं भात के साथ। तो आइए देखते हैं और इसे परोसते हैं थाली में। कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।